रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 175 पेटी अवैध शराब बरामद की है। साथ ही पुलिस ने तस्करी को लेकर एक आरोपी को गिरफ्तार भी यहां से किया है। जब्त माल की कीमत 21 लाख रुपए आंकी गई है। यह अवैध ब्रांडेड शराब का जखीरा ट्रक में टाइल्स की पेटी की आड़ में किया जा रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली कि हरियाणा से लाई गई शराब रायपुर में खपाई जानी है, जिसके बाद पुलिस टीम ने पुरानी बस्ती की टीम ने ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से 175 पेटी शराब बरामद की गई। जब्त शराब में कई अलग अलग महंगी ब्रांड की शराब पाई गई है, जिसे हरियाणा से रायपुर लाया गया था। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर उत्तर प्रदेश निवासी दिगंबर जाटक को गिरफ्तार कर लिया है। कल एक सूचना मिली थी कि बाहर से शराब की खेप आने वाली थी। इसी सूचना पर से कल रात में देवपुरी इलाके में मेरे द्वारा एक ट्रक को हाथ देकर रोका गया, तो उसने आगे बढ़ाया, फिर उसको हम लोगों ने पीछा करके उसको एक गली में पकड़ा। और उसके बाद कटनी के झेले लगाव में चल रही बुरम खदान पर प्रशासन की